Yeah.
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकागदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीनापराध लक्षै क्षिप्ता से कामाय तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे शैव सारि करी चरण वंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरम तमादि देवं करुणानिधानम् तमालवर्णम सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम् जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरहकातर आदुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुम् स्तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हाथ में लगे बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 भागवत कथा सर्वप्रथम मृ गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। और चौहान प्रभु जी कहाँ गए? चौहान प्रभु जी कहाँ गए? हरे कृष्ण तो जी इसको जो पूरा खोल दिया है हाँ उसको बोला जैसे कल कर किया था ऐसे करके हरे कृष्ण
हम लोग कथकल्या श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को, हम लोग ने श्रवण किया है। ये भागवत कथा की इतने महत्व है, अगर श्री धुंधुधारी की कथा, जब उसने प्रेत योनि को प्राप्त की और गोकर्ण जब उसका नाम पर गया में पिंड प्रदान की, जब घर में आया ना, देखा घर में फिर भूत बन करके पड़ा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिलती है। बोले भैया मैंने इतना पाप, इतने पाप किया हूं, एक उसको गेट को बंद कर दे। बोले एक बार क्यों, अगर मेरे नाम पर कोई 100 बार भी गया में पिंड दे दे। आप लोग कोई गया गए हो, कौन कौन गया गए? वहां पर भगवान श्री गदाधर नारायण का चरण के चिन्ह है, गया स्वरूपी बख्या स्थल के ऊपर में। ठाकुर जी स्वयं बताए, अगर कोई गया में एक बार आए और अपना पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार केवल पिंड दे दे, उसको सारे पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब उन्होंने गया में पिंड दी तभी मुक्ति नहीं मिले। बोले मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दो, क्योंकि मैंने इतना पाप, इतने पाप किया है, तब भी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतने मैंने पाप किए, वो जो बच्चे जो बैलून उड़ा रहे हैं ना, उनको बोले बैलून मत उड़ाओ, नहीं तो पीछे जाकर बैलून उड़ा। माता जी बच्चे को जो लेकर के आए हो उसको बोले पीछे जाकर बैलून उड़ा, कथा में नहीं। हरे कृष्णा, इसका मतलब है अगर हम बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, केवल एक बार आओ और कथा में बैठ गया, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल 7 दिन ये भागवत कथा को सुन लो। ये भागवत कथा सुनने का बाद हम सबके सब मुक्त होकर के श्री ठाकुर जी के चरण में हम पहुंच जाएंगे, सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुता अनुपठित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह अपि। बोले ये भागवत कथा की इतना महत्व है, जो एक बार भागवत कथा को सुन ले, अगर सुने भी नहीं, अगर ये भागवत कथा को एक बार पढ़ ले, अगर ये भी नहीं हो रही है, कहीं अगर ये भागवत कथा हो रही है, आपको पता चला भागवत कथा हो रही है, अगर इतनी सी बात आप बोल दो, बोले भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, कथा होनी चाहिए। अगर इतना भी कोई बोल दे कि तो वह व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उसने कभी देवताओं को द्रोह क्यों नहीं किया हो, कभी उसने है कहते इसी जगत में किसी इंसान को क्यों द्रोह नहीं किया हो, अगर इतनी सी बात बोल देना, वो सारे पापों से मुक्ति होकर के बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम, वो भगवत धाम को गमन करता है। अगर इतनी सी कोई बात बोल दे, ये भागवत कथा की इतने महत्व है। इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे, कैसे धुंधुकार जैसे पापी भी ये कथा सुनकर उसने वैकुंठ लोक को गमन किया है। अगर एक भूत अगर सुन करके अगर भगवत धाम को चला गया, फिर अगर हम कथा सुने क्या हमें फिर मुक्ति नहीं मिलेगी? जरूर हमें संसार से हमें मुक्ति मिल जाएगी, जरूर हमें प्रभु की चरण में हमें भक्ति की प्राप्ति होगी। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हैं, हमें चार दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए। पहला नंबर है, ये भागवत कथा कौन सुनेगा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा को वही सुन सकते हैं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम,
बोले एक जन्म नहीं, जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य जिनको उदय हुआ हो, कहते भैया वही केवल ये कथा सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की पुण्य उदय हुआ हो। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, हम तो जिंदगी भर पापी पाप किया है, फिर क्या कथा नहीं सुन सकते हैं? इसलिए उन्होंने सुनाए ये धुंधुकार की कथा सुनाए। अगर इतने बड़े पापी जिनको पिंड देने पर भी उधार नहीं हो, उसको कैसे उधार हो गई कथा सुनाने से? इसका मतलब पापी से अगर पापी क्यों नहीं हो, भागवत कथा वो सुन सकता है। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, अरे हम कितना बार भागवत कथा सुन रखे, हम सब पढ़ करके रहते हैं, हमें इस सब कथा बता सुनने का जरूरत नहीं। तब उदाहरण देते हैं, आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े आप पंडित और विज्ञ नहीं हो। ये सुखदेव गोस्वामी जो मातृ गर्भ में उन्होंने 16 साल तक थे, जो बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अगर किसी तरह से निकले ना, ब्रह्म ज्ञानी होकर के वो चले गए जंगल में, संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे। लेकिन ये भागवत कथा की इतने महत्व है, जब भागवत का एक श्लोक इनके कान में पड़ा ना, वो एकदम पागल हो गए। बोले भैया बांके बिहारी इतने सुंदर है, वो सबके सब छोड़ करके उन्होंने ये भागवत कथा सुनने के लिए आए। इसका मतलब है पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं, और ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, तब भी ये कथा को सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जय सुना तो अघाई, राम कथा कहते हैं, अगर कोई बोले अरे सुनी सुनाई कथाओं को कितना सुनेंगे, हम तो सब सुन रखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ये समझो भगवान की भक्ति में जो रस है ना, उसको ये चीज पता ही नहीं। इसलिए भागवत में श्री पृथु महाराज जब भगवान बोले पृथु तुम हमसे बर मांगो, देखो पृथु महाराज क्या कहते हैं, बोले ठाकुर जी हमें 10,000 कान दे दो। वे 10,000 कान लेकर क्या करोगे? दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ पर दो कान, यहाँ पर अगर कान ही कान हो जाए, अच्छी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। बोले नहीं, कान तो दो ही हो, लेकिन ये दो कानों में हमें इतने शक्ति दो जैसे दो कानों में 10,000 कानों में कथा सुनने का जितने शक्ति हमें दो कानों में उतना शक्ति दे दो। बोले प्रभु मेरे को 10,000 हाथ दो। बोले 10,000 हाथों से क्या करोगे? बोले तेरी सेवा करेंगे, तेरी हम सेवा करेंगे। मतलब है भगवान की कथा में इतने रस है, कथा में इतने आनंद है ना, जितना सुनो और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। लेकिन जगत की जैसे कोई बढ़िया से बढ़िया सिनेमा आ गई, एक बार देख लिया, बोले कैसे लगता है? बोले हाँ बढ़िया है, बढ़िया। दो बार देख लिया, बोले कैसे लगता है? बोले हाँ ठीक ठाक है। बोले तीसरा बार देख लिया, बोले कैसे लगता है? बोले हाँ ठीक है। चौथा बार, बोले नहीं और नहीं। बोले चौथा बार और नहीं है? जैसे बढ़िया मिठाई रसमलाई हो, एक खा लिया, बोले कैसे लगता है? बोले बहुत मीठा है। दूसरा खा लिया, बोले कैसे? बोले अच्छा है।
बोले तीसरा कहा लिया, बोले ठीक है, चौथा बोले नहीं उल्टी हो जाएगी। आप देखना इसी जगत में कोई भी चीज हो, कुछ दिन वो चीज को ग्रहण करो ना फिर फीकी हो जाती है, लेकिन भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो नाम है, हैं, उसमें कभी अरुचि नहीं होता है। संत लोग तो जैसे माला है ना, कोई कोई संत लोग तो वृंदावन में दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते हैं। जानते हो 3 लाख कितना होता है? अगर 1 लाख हरिनाम जप करो ना, तुमको दिन में 7-8 घंटा लगेगा, और 3 लाख करो तो 24 घंटा लग जाएगा। ब्रज में ऐसे संत लोग हैं, दिन में 24 घंटा प्रभु के नाम में डूबे हुए रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति में डूबे हुए रहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम। ये जो भक्ति है ना, जितने इसको पी सको खूब पियो, कभी इसमें तृप्त नहीं होता है। जितना पियो और लाओ, और पियो और पियो और पियो। इसलिए जो भगवान की कथा एक पापी से पापी भी सुन सकता है, और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी ये भागवत कथा को सुन सकते हैं। कथा सभी को मुक्ति प्रदान, सबको आनंद से कथा प्रदान करती है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसलिए कल जो हम कथा सुन रहे थे, ये पद्म पुराण की भागवत में जो महिमा उसको सुन रहे थे, आज हम लोग सुनेंगे श्री स्कंध पुराण में भागवत की क्या महिमा बताएगा। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, माँ कुंती जब सुना कृष्ण ही संसार में नहीं रहे, माँ कुंती भी ये संसार को त्याग दे, ये पांडव लोग भी ये जगत को त्याग दिए। बोले जब भगवान कृष्ण ही नहीं रहे फिर रह करके क्या लाभ है। लेकिन ये पांडव लोग जाने से पहले कहते इंद्रप्रस्थ का राजा श्री परीक्षित को बनाए, और वृंदावन का जो राजा उन्होंने बना दिया श्री बज्रनाथ को। एक दिन श्री परीक्षित महाराज वृंदावन में आए, और बज्रनाथ को बोले बज्रनाथ सब कुशल मंगल है ना? बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा जो मन है ना ये बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले ये वृंदावन में कोई है नहीं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर गए, आप लोग रामायण देखे हो, देखे कि नहीं रामायण? जब भगवान राम गए ना ये दुनिया छोड़कर के, उन्होंने संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने केवल एक व्यक्ति को छोड़कर गए और सबको लेकर गए। अब बताओ तो किसको छोड़कर गए थे? बताओ कौन बोले हाथ था, किसको छोड़कर गए? हाँ ये माता जी जानती है, इसलिए केवल उन्होंने श्री हनुमान को छोड़कर गए। बोले क्यों? बोले अगर तुम चले जाओगे ना फिर ये दुनिया में मेरी भक्ति कौन प्रचार करेगा, मेरी भक्ति को कौन प्रचार करेगा? इसलिए भगवान राम संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के ठाकुर जी चले जाते हैं। उसी तरह जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर गए, सारे ब्रजवासियों को लेकर चले गए, ललिता विशाखा राधा सखा सखी सब को लेकर गए। इसलिए ब्रज में एकदम सुनी, ब्रज में कोई है ही नहीं, बोले कोई राजा कोई प्रजा ही नहीं, इसलिए मेरा मन तो बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को ये बात पता है, कृष्ण तो एक स्वरूप में गए, लेकिन कृष्ण दूसरे स्वरूप में ब्रज में अभी है, कृष्ण कहीं नहीं गए। लेकिन ये बात किसको पता है? बोले उनकी जो कुल पुरोहित श्री शांडिल्य ऋषि थे, कहते इनको ये रहस्य पता है। तब श्री परीक्षित महाराज ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया, बोले ऋषिवर आप ये बज्रनाभ को थोड़ा समझाओ, ये वृंदावन का रहस्य क्या है। तब श्री बज्रनाभ को शांडिल्य ऋषि कहते हैं, बोले बज्रनाभ भगवान की जो लीला है ना, दो तरह के भगवान का लीला है, एक है वास्तव लीला और एक साधारण लीला है। माइक वाले, हे माइक वाले, इसका जो इको है ना
इको थोड़ा काम कर दो। इसलिए रणजी दो तरह का लीला है, एक तो उनकी वास्तविक लीला और एक व्यवहारिक लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए, लेकिन वास्तव रूप में देखो तो कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। वृंदावन कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ, वृंदावन कौन कौन गए, सबके सब गए हो। देखना वृंदावन में दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन, दो वन है। आप वहां पर जाकर के देखना दिन में तो बहुत सारे बंदर बंदर रहते हैं, और शाम होते ही ये बंदर अपने आप वहां से निकल जाएंगे, उनको कोई भगाना नहीं पड़ता है। और वो दो वन में दो मंदिर है, वहां पर ठाकुर जी की फूल की सज्जा लगाते हैं, फूल जी की सज्जा लगाते हैं, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं, दांतन रख लेते हैं। जब सवेरे जाओ ना मंगल आरती में, तभी अगर वृंदावन में रुको, हमारे वहां मंदिर है, अपना गुरु जी की बड़े गुरु जी की मंदिर है, तभी आना वृंदावन में। कौन कौन हमारा मंदिर में आए हो, थोड़ी थोड़ी लोग आए, इस बार सबके सब आना, ठीक है ना, सबके सब आना इस बार, आपको हम नौता दे करके जाएंगे। इसलिए कभी आप सवेरे सवेरे मंगल आरती में वो मंदिर में जाओ, देखोगे ठाकुर जी को फूल की सज्जा लगती है, सवेरे जा करके देखोगे ऐसे लगेगा मानो रात को कोई आए और यहाँ लेट करके गए। अगर वहां लड्डू रखा होगा था ना, कभी देखोगे आधा लड्डू, कभी लड्डू है ही नहीं, कभी लोटे में पानी नहीं देखोगे हैं? अगर कोई जोर जबरदस्ती सोचेगा हम रात को रह करके मैं देखूंगा, उसका दो परिणाम है, मर जाएगा नहीं तो वो गुंगा बन जाएगा। वो मंदिर को पास में है ना, हमारी अपना गुरु जी के मंदिर है। मैंने ये दो चीज देखा, एक बूढ़ी माता को तो देखा शरीर छोड़ते हुए वो अंदर में जोर जबरदस्त रूप गई थी, और एक देखो लोगों को देखा वो गुंगा बन गया। जिनको विश्वास नहीं होता है ना, अरे भगवान भगवान कौन देखा, ये सब झूठ मूठ है, भगवान खुद किसी ने देखा। अगर जिनको विश्वास नहीं हो, वृंदावन में जाओ, एक एक रात वो मंदिर में रुक करते देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा ठाकुर है कि नहीं है। वहां पर एक स्थान है, उसका नाम झाड़ू मंडल है। अगर आप वृंदावन आओगे ना, हम आपको ले जाएंगे, सब जगह में दर्शन कराएंगे। वो एक झाड़ू मंडल वहां पर है। एक समय कोई एक संत भजन करने के लिए आया गुरु जी को पास में। गुरु जी ने कहा देख बेटा, जब तक सेवा नहीं करोगे ना, तब तक तेरे को मेवा नहीं मिलता है। जाओ बेटा, ये जो निधु वन निकुंज वन में अभी भी श्री किशोरी जी अभी भी सखियों के साथ में लीला करती हैं। जाओ रोज झाड़ू लगाओ। वो संत रोज रोज झाड़ू लगाया करता था, और झाड़ू लगाते समय रो रो करके राधा जी के चरण में प्रार्थना करता था, हे राधे कब मेरे ऊपर में तुम कृपा करोगे, मेरे को कब दर्शन दोगे। अभी राधा रानी उसको ऊपर में कृपा करने के लिए जान बूझ करके अपना चरण का जो नुपुर उन्हें छोड़ करके चली गई। वो संत रोज झाड़ू लगाता है, जब उन्होंने सवेरे सवेरे गया, देखा है कि सोने के नुपुर चमचमा रहे हैं। बोले भैया जंगल में ये सोने के नुपुर कहां से आया। उसने उठाया, अपना सर पर लगाया और अपना गुरु जी को दिखाया। बोले गुरु जी मैं झाड़ू लगाते लगाते एक सोने के मैंने ये नुपुर प्राप्त किया है। उनको गुरु जी साधारण नहीं थे, वो बड़े पहुंचे हुए थे। बोले देख बेटा, ये राधा रानी तेरे ऊपर में कृपा करने के लिए उन्होंने जान बूझ करके ये चरण के नुपुर छोड़ करके गए। देना नहीं जिसको तिसको, अगर कोई लेने के लिए आए ना, तुम बोलना जिनके चरण की नुपुर वो स्वयं आ जाए और मैं अपना हाथों से पहनाऊंगा। वो जाकर के झाड़ू लगाए। इतने में ललिता और विशाखा राधा जी की दो सखी अभी उन्होंने ढूंढने के लिए आए। बोले बाबा बाबा, हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, कहीं चरण की नुपुर कहीं गुम गया है, क्या तेरे को मिला है। बोले हाँ मिला तो है। बोले दे दो। बोले नहीं,
जिनकी चरणा की नुपुर वो स्वयं आए और उनने परीक्षा ली, बोले देखो तू तो संत है, तू तो बाबा हो, ये हमारी घर की बहू है, पर तुम अपना हाथों से चरण में नुपुर कैसे पहनाओगे, तेरे को शर्म नहीं लगता है? अच्छा चाहते हो तो दे दो, नहीं तो भैया को हम बुला करके लाएंगे। तब श्री गुरुजी ने बताया था चले को, बोले देख चले ये देना नहीं किसको, जिनका चरण की पायल उसको चरण में पहनाना, परीक्षा करेंगे, लेकिन बोलना जिनकी चरण की पायल वही आए। ललिता विशाखा जा करके राधा जी से बोले, बोले वो कहता है अपना हाथों से हमका चरण में पहनाना चाहता है। राधा जी बोले एक काम करो, उसको बोलो ये घर की हमारी बहू है, वो ऐसे नहीं आएगी, पहले आंखों को ऊपर में काला पट्टी बांध दो फिर आएगी। बोले कोई बात नहीं, तब उनको आंखों को ऊपर में काला पट्टी बांध दी, स्वयं राधा रानी वहां पर आती, तब वो संत अपना हाथों से राधा जी की चरण में नुपुर पहनाया और उनका चरण स्पर्श करते ही इसका रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई और राधा जी की चरण पकड़ते हुए बोले हे राधे, मेरे गुरुजी ने बताया मुझको आप श्री राधा रानी हो, आप मुझे दर्शन भी दिया करो। तो उन्होंने उनका चरण से फिर आंखों को ऊपर से काला पट्टी को खोल दिए, फिर उन्होंने साक्षात श्री राधा रानी को दर्शन करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे। कहते ये जो कथा है ना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की कथा है। अगर अभी भी कोई ठीक ठीक से वृंदावन में भजन करे, अभी भी राधा रानी कृपा करती हैं। वृंदावन में एक मंदिर है, उनका नाम राधा श्याम सुंदर मंदिर, जरूर दर्शन करना मंदिर में। आप देखना वो जो ठाकुर जी तिलक लगाते हैं ना, राधा रानी अपना नुपुर से वो संतों को तिलक लगा लिया, यहाँ एक बूंद में काला रंग लगा दिए थे। अभी भी वहाँ के ठाकुर श्री कृष्ण तिलक तो ऐसे लगाते ही, उसको बीच में अभी भी वो नुपुर का चिन्ह ठाकुर जी का है। कभी वृंदावन में जाओ तो जरूर ठाकुर जी को दर्शन करना। और देखो और एक अच्छी घटना हुई, वो ज्यादा दिन नहीं 50-60 साल पहले एक घटना है। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम थी किशोरी, वो बड़ी देखने में बड़ी सुंदर थी और वो बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति को बड़ी सेवा करती थी। अभी पति उसको ऊपर में बहुत ही आसक्त था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद में ऐसे बीमारी में पड़ी, उसने कम उम्र में शरीर छोड़ दी, लेकिन पति तो उसको बड़े बड़ा आसक्त था। अभी उसकी चिंता करते करते ना उसको पति बन गया पागल। अभी दिन रात हा किशोरी तू कितने अच्छी थी, हा किशोरी तू कहाँ चली गई, हा किशोरी तू कितने प्यार से मेरे को रोटी खिलाया करती थी। अभी दिन रात हा किशोरी किशोरी करते करते वृंदावन में आया, अभी रात में सोया नहीं, दिन रात भर किशोरी किशोरी। वृंदावन में जाओ ना, सबके सब राधा जी को किशोरी किशोरी बोलते हैं। वृंदावन में देखना राधा जी को सबके सब श्री किशोरी किशोरी, मतलब क्या है, जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, हर समय राधा जी की जो उम्र है ना 13.5 साल से कभी इससे उम्र ज्यादा कभी होती नहीं। अभी रात भर हा किशोरी बोल रहा है। अभी राधा रानी रोज वृंदावन में रास करती है, इसलिए बोले भगवान की चार ही तरह का रास है, एक है बासंती रास, एक है शारदीय रास, एक है महारास और एक है नित्य रास। वृंदावन में ऐसे कुछ कुछ स्थान है जहां हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में लगा हुआ एक स्थान है, उसका नाम टोपी कुंज है। आप कभी आओगे देखोगे 12 महीना वहां रास होती है, 12 महीना रोज वहां रास होगी, इसलिए भगवान नित्य रास करते हैं। अभी श्री राधा रानी अपना सखियों को साथ में रात में रास रचाने के लिए आई, लेकिन ये जो पागल था ना, हा किशोरी तुम कहाँ हो, हा किशोरी कहाँ हो,
अभी वृंदावन में राधा जी को सब किशोरी बोलते हैं। देखो अगर दो व्यक्ति का अगर एक नाम हो, अगर मैं एक व्यक्ति को बुलाऊंगा ना, दूसरा व्यक्ति आवाज देगा क्या मुझे बुला रहे हो। अभी वृंदावन में तो राधा जी को किशोरी बोलते हैं, अभी इतने में श्री राधा रानी अपना सखियों को बोले, बोले देखो सखियां कोई एक मेरा भक्त आया है, देखो रात भर सोया नहीं, देखो मेरे नाम को ले लेकर के पुकार रही है, हैं? मेरे नाम को ले लेकर के पुकार रहा है, जाओ उसको ले करके आ जाओ। इतने में श्री ललिता सखी कहते बोले चुप रह, वो तेरे को नहीं बुला रही है, उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो अपना पत्नी को ही बुला रहे, तेरे को नहीं बुला रहे तो चुप बैठ। अभी राधा रानी चुप हो गई, लेकिन वो तो किशोरी 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 हटते जा रहा है, फिर तो राधा रानी को रहा नहीं गया, बोले देख ललिते, हाँ मेरे को पता है उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, लेकिन जो किशोरी नाम है किसकी नाम है, बोले मेरी नाम है, मेरे नाम उसको दी गई, मेरे नाम को, लेकिन उसको पत्नी किशोरी नहीं, वो मेरे नाम दी गई है, और मेरे धाम में आया और मेरे नाम को ले लेकर के रात भर उसने सोया नहीं, और मेरे नाम को लेकर के पुकार रहा है, भले ही वो अपना पत्नी को कहीं नहीं पुकारे, तुम उसको जाओ और जा करके मेरे पास में उसको ले आओ। फिर श्री ललिता सखी जा करके फिर वो जो पागल है ना, वो पागल को ले आती है, और राधा रानी उसका सर के ऊपर हाथ रखते ही, वो तो था एक पागल, जब उन्होंने उनको सर पर हाथ रखना, वो हो गया फिर दूसरे पागल, किस चीज में, किस चीज में, राधा रानी की प्रेम में पागल हो गया है। बोले असली पागल कौन है, कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सारे पागल है ना, ये झूठे पागल है। बोले असली पागल कौन है, जो पागल है श्री राधा रानी के, जो पागल है श्री बांके बिहारी के। देखो अभी भी अगर कोई वृंदावन में भजन करेगा, कोई कर रहे हैं, अभी भी श्री बांके बिहारी राधा रानी को दर्शन देते हैं, इसलिए श्री सांडिल ऋषि ने कहा देख बज्रनाथ, कृष्णा अभी भी वृंदावन में पूर्ण रूप में है, अभी भी पूर्ण रूप में है कृष्णा, वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, लेकिन उनको कौन दर्शन कर पाएगा। बोले जिन्होंने अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाया, लेकिन हमारी आंखों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जय है, इन्हीं आंखों से हम ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर सकते हैं, प्रेम रूपी अंजन लगाओ तो प्रभु ठाकुर जी की दर्शन मिलेगी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजन गाय भी नहीं, एक भजन बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अरे मोहन से, ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ए मैं जानो या वो जाने। Oh, I just.
खेड़ा। जब मैं यहाँ मोहन से दिल कौन कौन लगाया, हाथ उठाकर बताओ जरा। बस सभी लोगों ने लगभग लगाया है, लेकिन ऊपर से लगाया, अंदर से नहीं लगाया। अंदर से नहीं लगाया। अगर अंदर से लगाते ना तो नाचते नाचते और ताली भी हो जाता। तो हम दूसरी जगह जाकर बोले बोले देखिए इज्जत के सवाल है, नाक न काटने के सवाल है। हम दूसरी जगह जाकर बोले कि खेड़े के लोग जो है ना कोई ताली बजाते हैं ना कोई नाचता। तो देखिए अभी छह दिन है, सभी लोग नाच करके खेड़े का नाम जो है जय हो। तो आइए सब लोग ताली बजा करके, और जो नाचना जानते हैं वो आगे आ जाए, बहुत जगह खाली पड़ी है नाचने के लिए। इसलिए सभी आए और सात दिन में इसको वृंदावन बनाना है खुड़े को। इसलिए आप लोग जब नहीं नाचेंगे सुबह कीर्तन की, नाचना और ताली बजाना। देखिए भोजन की शोभा किससे है, भोजन की शोभा किससे, थाली से है ना, थाली से। और ससुराल की शोभा किससे है, ससुराल की शोभा आप लोग जानते हैं, बताए साली से, वो बता रहे साली से है ना। और ये कीर्तन की शोभा किससे, ताली से। देखिए सब लोग जानते हैं फिर भी चुपचाप बैठे हैं, ताली बजाने में इतनी बड़ी जुस्ती। अरे राधे राधे, आइए सभी लोग ताली बजा कर Yeah.
आगे क्या बोलना है आपको? राधे राधे। सब लोग राधे राधे बोलेंगे, मैं बोलूंगा वृंदावन में तो आप क्या बोलेंगे? राधे राधे। थोड़ा नहीं जोर से बोले, क्या बोलेंगे? हाँ और जोर से राधे राधे बोलना है। इसलिए रेडी सब लोग हाथ उठाएगा। जयकारा में आनंद नहीं आया, कल व्रत था, आज कोई व्रत है क्या? आज तो तीन चार बार बिल्कुल टाइम दे, तो जयकारा में आनंद नहीं आया। नेक जोर से जयकारा लगाएंगे, जैसे कि नौकर तक सुनाई पड़े मार्केट तक। यहाँ से मार्केट नजदीक है, तो यहाँ से मार्केट तक सुनाई पड़े कम से कम कथा है ही नहीं है। नेक जोर से जोर जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सांडिल ऋषि ने कहा, परीक्षित अभी भी कृष्णा पूर्ण रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन किसको दर्शन मिलेगा? जिन्होंने अपना आंखों में प्रेम रूपी काजल लगाया वही केवल ठाकुर को दर्शन कर सकते हैं। हैं ठाकुर जी को वही दर्शन कर सकते हो। एक काम कर, अभी कृष्णा तो ये संसार छोड़ करके चले गए, धीरे धीरे भगवान की जो लीला स्थली वो लुप्त तो होते जा रहा है। तुमने पुनः ये लीला स्थलियों को उद्धार करो, और जितने सब ठाकुर जी इनको मंदिर मंदिर में ठाकुर जी को स्थापन करो, फिर भगवान की कृपा तेरे ऊपर होगी, फिर ठाकुर जी की बांके बिहारी की तुमको दर्शन मिल जाएगी। इसलिए वज्रनाभ ने सारे लीला स्थलियों को प्रकाश किया, और विशेष करके उन्होंने तीन ठाकुर को स्थापन किया, एक गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन। ये तीनों ठाकुर को स्थापन किए। कहते श्री गोविंद देव कौन है? बोले इनकी मुखार बिंद जो दर्शन करेगा गोविंद जी को, साक्षात कृष्ण दर्शन मिलेगी। कहते उनका जो बख्य स्थल को दर्शन करेगा है, कहते ये गोपीनाथ जी की ये बख्य स्थल है, और उनका जो चरण है कहते श्री मदन मोहन जी। ये जो तीनों ठाकुर पहले ये वृंदावन में थे, लेकिन ये मुसलमान राजा जो औरंगजेब, जब मुसलमान राजा वृंदावन में आक्रमण की, उसने सारे मंदिर फंदिर को तोड़ फाड़ दिया। उसी समय जो राजा जयपुर के, जिनका नाम था राजा मानसिंह, वो बड़ा कृष्ण भक्त था, वृंदावन से सारे ठाकुरों को लेकर के उन्होंने जयपुर चले गए। वहां पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीन ठाकुर था, लेकिन जो एक ठाकुर अभी वो जयपुर में नहीं, अभी वो चले गए करौली में चले गए। बोले करौली में क्यों गए? बोले राजा मान सिंह का एक बेटी थी, बड़ी अच्छी राजकुमारी, लेकिन वो जो बेटी थी ना बड़े कृष्ण भक्त, अपना हाथों से मदन मोहन जी को स्नान कराया करती थी, अपना हाथों से श्रृंगार कराया करती थी, ठाकुर जी को अपना हाथों से सजाया करती थी। जब ये राजकुमारी शादी के लायक हो गई, अभी राजा उसको मदन श्री करौली में जो राजा था उसको साथ में शादी करने का तय की,
राजा मान सिंह ने पूछा अपना राजकुमारी बेटी से, बोले बेटी मैं दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा तेरे को, लेकिन तुम्हारी मन में कोई इच्छा है, अगर तुम्हारी मन में कोई इच्छा हो उसको मांगो, तुम्हारी मन की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। जब बोले तब राजकुमारी कहती है, देखो पिताजी भले ही मेरे को दहेज रूप में जो देना सो तो दो, लेकिन एक चीज मेरे को दिया करो। बोले क्या चीज है? बोले जब से मेरी होश आई तब से मैंने ये जो मदन मोहन है ठाकुर जी, मैं ये मदन मोहन जी को अपना हाथों से सिल, अब आगे आ जा माता जी, आगे आगे किधर आ जा, आगे आ जा। इसलिए जब से मेरा होश आई है तब से मैंने ये मदन मोहन जी को अपना हाथों से मैं श्रृंगार करती हूँ, और ये मदन मोहन जी को अपना स्वयं सुलाती हूँ, और ये ठाकुर जी को मैं स्वयं अपना हाथों से खिलाती हूँ। इसलिए जो मदन मोहन ठाकुर जी, इनको साथ में मेरी प्रेम हो गई है, इसलिए ये मदन मोहन जी को दहेज रूप में दो। लेकिन ठाकुर जी का नाम ही मदन मोहन है, बड़े सुंदर थे ठाकुर जी, बड़े सुंदर ठाकुर जी कृष्ण थे। लेकिन राजा मान सिंह ने कहा, देख बेटी ये जो मदन मोहन है ना, ये ठाकुर जी को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि इनका नाम ही मदन मोहन है। तुम और कोई दूसरे ठाकुर को ले लाओ, लेकिन ये मदन मोहन मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन वो राजकुमारी बोली, पिताजी तब भी मैं शादी करूंगी जब ये मदन मोहन ठाकुर जी को मेरे को दहेज रूप में दोगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। अभी पिताजी और बेटी में ना राजकुमारी में लड़ाई हो गई। राजा कहते हैं ये ठाकुर मैं नहीं दूंगा, और बेटी कहती है राजकुमारी तब भी मैं शादी करूंगी जब ये मदन मोहन को मेरे को दहेज रूप में दोगे। अभी बेटी पिताजी की तो लड़ाई होगी, लेकिन बेटी को तो शादी देना है, बेटी को तो शादी देना। बोले देख बेटी, अगर तू बोलते हो मदन मोहन में तुम्हारी इतना प्रेम है, लेकिन मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले मेरे पास में जितने ठाकुर है ना, सबको मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा, बहुत सारे ठाकुर कृष्ण है, और तेरे आंखों में काला पट्टी बांध दूंगा। तुम जा करके स्पर्श करते 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 जिस ठाकुर जी को तुम स्पर्श करते हुए बोलोगे मेरे को ये ठाकुर दो, फिर मैं वही ठाकुर दूंगा। बोले ठीक है पिताजी। अभी जो राजकुमारी थी, रात भर उसने मदन मोहन जी को चरण में प्रार्थना की, और रो रो करके प्रार्थना की। बोले देख ठाकुर, असली जो शादी है ना मेरी तो तेरे साथ में हो गया है, तेरे साथ में मेरी असली शादी हो गई है, लेकिन ये दुनिया को दिखाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को शादी करके किसी पास, किसको पास में जाना पड़ता है। हाँ, वो प्रभु जी जो भजन गाए गाए ना, अभी क्या भजन गा रहे थे? मोहन से, मोहन से, मोहन से दिल क्यों लगाया, इसलिए वो जाने कि वह मैं जाने। अभी तू मेरे दिल को जानता हो, तेरे दिल को मैं जानती हूँ, इसलिए ये बताओ अभी मेरे को पता कैसे चलेगा तू ठाकुर है। देखो ठाकुर जी स्वयं रात को सपने में आए, बोले देख बेटी तेरी प्रेम से मैं रिझा हुआ हूँ, तेरी सेवा में मैं पागल हूँ। एक काम करियो, जब तेरे पिताजी आंखों में काला पट्टी बांध देंगे, तुम अपना हाथों को लगाते लगाते लगा लगा आना, और जब तुम मेरे पास में आओगी ना, मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा। लेकिन ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगे और मैं समझूंगा। फिर तू पिताजी को बोलना ठाकुर यही ठाकुर दो, फिर मेरे तेरे साथ में चल पड़ूंगा। वो राजकुमारी इतने प्रसन्न हो गई। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाती नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा की जैसे तुम सुलाते नहीं। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, सब कुछ ठाकुर क्या नहीं करते हैं, ठाकुर की भक्त के लिए ठाकुर सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ऐसे भक्त बनना पड़ेगा।
ऐसे भक्त हमें बनना पड़ेगा। इसलिए सचमुच से सारे जयपुर के जितने लोग सब के सब एक कटे हो गए, ये जो राजकुमारी कौन सा ठाकुर को लेकर के जाएगी। सारा दुनिया के लोग वहां पर आए, राजा राजकुमारी के आंखों में काला पट्टी बांध दिए। वहां पर जितने कृष्ण मूर्ति थे ना, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा श्याम सुंदर राधा मदन मोहन है राधा गोकुलानंद राधा माधव बहुत सारे ठाकुर हुए। जयपुर कोई कोई गए हो? जयपुर कौन गए हैं? कोई नहीं गए, एक दो गए हो जयपुर में। जब जयपुर जाओ ना सब ठाकुर को देख करके जरूर आना है। कौन जाना चाहते हो बताओ, अब सब तो हम ले जाएंगे। कोई हाथ नहीं उठा रहे, कोई जाना नहीं चाहते हो? सबको यहाँ से हम ले चलेंगे यहाँ से, ठीक है। इसलिए जब उन्होंने वो राजकुमारी जब उन्होंने हाथ को स्पर्श करते 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 श्री मदन मोहन को पास में आए और मदन मोहन ठाकुर जी राजकुमारी के हाथ को पकड़ लिए। लेकिन ये चीज को कोई नहीं देख रहे थे, ये चीज को तो राजकुमारी ये अनुभूति कर रहे थे, ठाकुर जी मेरे हाथ पकड़ लिए। बोले पिताजी हमें यही ठाकुर दे दो। राजा मान सिंह ने देखा, भैया इसको पता कैसे चला ये सारे ठाकुर में यही मदन मोहन है। राजा ने बोला बेटी तेरी जीत हो गई, मैं हार गया हूँ, ठीक है तू ये ठाकुर लेकर के करौली चले जा। अगर कभी करौली जाओगे ना कैला माँ को देखने के लिए, वहां पर श्री मदन मोहन मंदिर जरूर दर्शन करके आना, बड़े सुंदर ठाकुर जी है। वो ठाकुर जी को जो दर्शन करते है ना, ठाकुर जी की चरण दर्शन करने का फल मिलता है। इसलिए श्री बज्रनाभ ने सुंदर सुंदर ठाकुर जी को उन्होंने प्रकटित किया है। बोले एक समय जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके गए, उनके 16108 पटरानिया, ये सबके सब कृष्ण विरह में बड़े दुखी थे। लेकिन देखा वृंदावन ने जो कालिंदी, कालिंदी जानते हो जो यमुना नदी, लेकिन वो देखा उसको अंदर में कोई दुख है, वो तो बड़े खुश हुए। महिषुए ने पूछा कालिंदी कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, हम तो सबके सब दुखी है, लेकिन तेरी मन में ये दुख क्यों नहीं? तू तो बड़ी प्रसन्न हो। देखो यमुना क्या कहती है कालिंदी, बोले देखो महिषिया राधा जी की आशीर्वाद से मेरे को पता है वृंदावन छोड़ करके कृष्ण कभी नहीं जाते, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है। लेकिन ये चीज को कौन अनुभूति करता है? बोले जिसको ऊपर में श्री राधा रानी की कृपा हो वही व्यक्ति अनुभूति कर सकते हैं कृष्ण अभी भी पूर्ण रूप में वृंदावन में। इसलिए आप वृंदावन जाओ ना, देखना कोई भी वहां कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। इसलिए देखना वृंदावन सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। क्यों? बोले राधा जी की कृपा से ही ये कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण नहीं मिलते हैं। इसलिए वृंदावन में सब श्री राधा जी का नाम को सबके सब ग्रहण करते हैं। तब श्री महिषिया कहती हैं, भैया हम भी श्री राधा जी की आराधना करने चाहते हैं, लेकिन ये चीज हमें कौन समझाएगा? ये वृंदावन में अभी कृष्ण है। बोले केवल एक व्यक्ति हमें समझा सकते हैं। बोले कौन है? बोले श्री उद्धव जी। हम आगे जा करके सुनेंगे कृष्णा ये उद्धव जी को ही उन्होंने ब्रज में भेजा। बोले उद्धव तुम जा करके ब्रजवासियों का सांत्वना दे करके आओ। उद्धव जी ने उनको सांत्वना प्रदान की थी। बोले उद्धव अभी मिलेंगे कहाँ? उद्धव अभी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव है। बोले कहाँ पर? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन में। आप लोग गिरिराज की परिक्रमा लगाए हो? कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए? अब देखना जब आप गिरिराज की परिक्रमा करोगे, ठीक राधा कुंड श्याम कुंड से पहले देखना वहां पर के उद्धव कुंड। अगर कभी गए नहीं इस बार जाओ तो जरूर वहां पर आचमन लेना, ठीक है? ठीक राधा कुंड से पहले पड़ेगा ये उद्धव कुंड है। बल अभी भी उद्धव जी वहां पर एक घास बन करके अभी भी उद्धव वहां तपस्या कर रहे हैं।
गोपियों की कृपा पाने के लिए, वही ये बात को बताएंगे। बोले चलो हम सबके सब श्री गिरिराज की तलेटी में चलते हैं। 16108 पटरानिया, उद्धव जी, श्री परीक्षित महाराज, सांडिल ऋषि, गर्गाचार्य, सबके सब श्री गिरिराज की तलेट में आए और वहां पर सबके सब मिल करके ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा हरि गोविंद, जय कीर्तन होना। एक तो कीर्तन करनी चाहिए, कीर्तन का पीछे पीछे कीर्तन करनी चाहिए। देखो जब श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में महाप्रभु आए और सर्वत्र उन्होंने हरि कीर्तन का प्रचार किया और जिन जिन्होंने ये हरि का नाम लिया वो सब के सब प्रभु का धाम में जा रहे हैं। अभी धीरे 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 जो पाप था ना वो बड़ा दुखी होकर के ठाकुर जी के पास में गए। बोले प्रभु आप ऐसे एक नाम लाए हो जो तेरे नाम लेते हैं वहां मैं रह ही नहीं सकता हूँ। पाप तो वही निवास करता है क्या भगवान का नाम लिए, मेरे को कोई स्थान दो नहीं तो जान से खत्म कर दो। देखो भगवान क्या कहते हैं। बोले देखो जो ये हरि कीर्तन करेगा, ठाकुर जी का नाम लेगा, पाप तो उसको सर के ऊपर से उड़ जाएगा, लेकिन उड़ करके बैठेगी कहां पर। बोले जो भगवान का नाम नहीं लेगा, जो भगवान की नाम नहीं लेगा। इसलिए जब ये कीर्तन होना सब के सब पीछे पीछे श्री हरि का नाम जरूर लेना, ठीक है। और एक बात है, जब भगवान की कीर्तन हो ताली बजानी चाहिए। क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए। देखो मैं अभी गया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में होते हुए आया, मेरे को एक व्यक्ति ड्राइविंग करके ला रहा था। बोले महाराज जी ताली बजाने का बड़ा महत्व है। मैंने कहा क्या महत्व है, उन्होंने एक बढ़िया बात बताई। बोले आप हिजड़े को देखे हो। बोले हाँ हिजड़े को देखा हूँ। हिजड़े हर समय क्या करती है, ताली बजाती है ना, तुमने ताली बजाती है। वो एक अच्छी बात मेरे को बताई। बोले आप हिजड़े के शरीर में कभी भी नहीं देखोगे कभी हॉस्पिटल जाता है और उसका चेहरा देखोगे ना लंबे चौड़े एकदम बढ़िया हेल्दी, कभी देखोगे नहीं आंख में चश्मा लगाते हुए कभी आप नहीं देखोगे कभी वो बीमारी ग्रस्त होता है। बोले क्यों, बोले ये ताली बजाता है। क्या करता है वो ताली, जब ताली बजाओ देखो हम लोग नाम सुने एक एक्यूप्रेशर, नाम सुने हो एक्यूप्रेशर, नाम सुने होंगे। ये एक्यूप्रेशर से वो हाथ से सारी बीमारी को सही कर देते हैं, सारे बीमारी को। कौन सा पेंट से दबाओ तुम्हारी कौन सा बीमारी सही होगी, हाथ प्यार से सारी बीमारी खत्म कर देते हैं। इसलिए जब हम ताली बजाते हैं क्या होता है, वो एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर होता है ताली बजाने में। ये एक लाभ। बोले दूसरा लाभ क्या है, अब ये चीज पर ध्यान देकर सुनो। जैसे संसार में जब हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं देखना किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं, कहते भैया देखो तो मेरे हाथ को, कि संसार में इतने दुख कष्ट क्यों आ रहे हैं, दुख को बाद में दुख, दुख को बाद में दुख। अगर सोने में हाथ लगाता ना वो भी मिट्टी हो जाता है, देखो तो थोड़ा मैं हाथ में
आप बताओ क्या ज्योतिष तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है? वो बता सकता है भैया ये कर्म तुमने बुरे कर्म की, लेकिन दुख से तुमको निवृत्त नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान का एक नाम है ईश्वर। क्या नाम है? ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? बल्कि ईश्वर का मतलब होता है जो है को नहीं और नहीं को जो है कर सकता है। इसलिए भगवान का एक नाम ईश्वर है। दिन को रात और रात को जो दीन कर सकता है वो भगवान है। अगर तुम्हारी भाग्य रेखा कहीं उल्टा पुल्टा है, हम मेरे तरफ से देखो एक चीज, माताओं के लिए उल्टा हाथ में ये जो रेखा है ना, ये भाग्य रेखा है। आप लोग खुद देख सकते हो, अगर ये रेखा जिसको जितने सीधा गया, अगर ऊपर में ये त्रिशूल रूप धारण करता है, समझा समझो तुम्हें तीन जगत में तुम्हारी जयकार है। और जब भाई लोगों के लिए ये रेखा है, ये भाग्य रेखा, आप स्वयं सम देख लेना, आप ये रेखा जिसको बढ़िया होगा, अगर ये उल्टा पुल्टा सब इसी रेखा से निर्भर करता है। आप स्वयं देख सकते हैं अपना हाथ को। आप ताली बजाने से पहले देख लो और ताली बजाने का बाद में देख लेना, ये भाग्य रेखा बदल जाएगी। क्यों? हम ताली कब बजाते हैं बताओ? हम किसी के स्वागत में ताली बजाते, कहते ना भैया ताली बजा करके इनकी स्वागत करो। यहाँ जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो बताओ? किसकी स्वागत में ताली बजाते हो? भगवान की स्वागत में यहाँ ताली बजा रहे हो। अगर ये ताली बजाओगे ना, भगवान तुम्हारी सारे भाग्य रेखाओं को ठाकुर जी बदला देंगे, सारे भाग्य रेखाओं को। इसलिए जोर जोर से ताली बजाना, ठीक है ना? बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पीछे बैठे हैं, ये माई की आवाज जा रही कि नहीं? पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही? आ रही ना? ठीक है। अभी जब सबके सब श्री उद्धव कुंड ने बड़े सुंदर कीर्तन की, कर्त कीर्तन का प्रभाव से श्री उद्धव जी जब घास बन करके भजन कर रहे थे, स्वयं श्री उद्धव जी प्रकट हुए। जब उद्धव जी प्रकट हुए, महिषियों ने उद्धव जी से पूछा, बोले हे उद्धव, तेरे को कृष्ण ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, हम भी सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, अभी तुम हमें सांत्वना प्रदान कराओ, कैसे अभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? उद्धव जी ने कहा, देखो जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, मैं भी कृष्ण को यही प्रश्न की थी, बोले हे कृष्ण, तुम तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो,
अभी तेरे विरह में हम सबके सब दुखी है, अब पता चलो हमको शांति कैसे मिलेगी। देखो कृष्ण ने क्या बता कर गए, बोले देखो उद्धव, मैं एक स्वरूप से मैं ये संसार छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन कली युग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रहूंगा। उद्धव जी पूछे, प्रभु किस स्वरूप में कली युग में आप रहोगे? कृष्ण ने कहा, ये जो भागवत कथा है, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ नहीं, मैं स्वयं हूं। इसलिए भागवत में 12 खंड है। कितना खंड है? 12 खंड, 12 अध्याय। कृष्ण कहते हैं जो प्रथम और जो द्वितीय जो खंड है, कभी ये बाक्य विहार के 2 चरण है। जो तृतीय चतुर्थ स्कंध, ये भगवान की 2 उरु है। जो पंचम और षष्ठ स्कंध है, कभी जो पंचम स्कंध, ये भगवान की नाभि कमल। जो षष्ठ और सप्तम स्कंध, बल ये भगवान की 2 भात है। जो अष्टम स्कंध, बल ये भगवान की वक्ष स्थल है। जो नवम स्कंध, बल ये भगवान की कंठ है बांके बिहार की। बल जो दसम स्कंध, बल ठाकुर जी की ये मुखार बिंद। जो एकादश स्कंध, ये भगवान के ललाट। जो द्वादश स्कंध, ये बांके बिहार जी के सर है। बल ये श्रीमद भागवत ग्रंथ नहीं, बल तेन अयंग बांग मई मूर्ति, मतलब भगवान कलिजुग में ये शब्द ब्रह्म रूप में, ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में प्रकटित हुए, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। बोले कलिजुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, कलिजुग में जो भगवान की ये भागवत कथा सुनेगा, बोले भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुन रहे हैं, समझो साक्षात श्री बांके बिहारी जी को साथ में साक्षात मिल गए हो। ये कथा नहीं सुन रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? साक्षात भगवान जी से आप मिल रहे हो। इसलिए भगवान श्री नारद जी भगवान जी को जो पूछे, प्रभु आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी क्या बोले? बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय नच। कहते हैं नारद जी, दुनिया कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते हैं मैं रहता हूँ जोगियों का हृदय में, मैं जोगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता जत्र गायती, जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, मैं केवल वही रहता हूँ। इसलिए आप लोग ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? साक्षात श्री बांके बिहारी जी से साक्षात मिल रहे हो। ये कृष्ण स्वयं कहते हैं ये बात को। तो महिषुए ने कहा, बोले हे उद्धव जी, फिर तो आप कृपा करके हमें ये भागवत कथा सुनाओ। बोले ठीक है, आपको मैं कथा सुनाऊंगा। हम लोग कितना दिन कथा सुनेंगे? 7 दिन कथा सुनेंगे। लेकिन उद्धव जी, उद्धव कुंड में महिषियों को कृष्ण का जो 16108 पटरानिया था, उन्होंने 1 महीना तक उनकी कथा सुनाई, 1 महीना तक कथा सुनाई। जब ये भागवत कथा समाप्त हो गई, ये जो श्रीमद् भागवत से स्वयं बांके बिहारी श्री राधा रानी ललिता विशाखा सखियां नंद बाबा वृषभानु महाराज सबके सब श्री ये भागवत ग्रंथ से साक्षात रूप में प्रकट हुए, और श्री महिषी ने भगवान कृष्ण से मिले और कृष्ण से मिलकर के उनको हृदय में आनंद और तृप्ति मिला। अब देखना, जब 7 दिन आप भागवत कथा सुनोगे ना, आपको लगेगा सचमुच से भगवान से हम मिले, भगवान कृष्ण से ही हमारा साक्षात, साक्षात कृष्ण से हमारी मिलन होगी। जितने दुख है आप देखना, 7 दिन में भी तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएगी और लगेगा जैसे कृष्ण हमें मिल गए। तब श्री उद्धव जी कहते हैं, बोले देखो महिषिया, मेरे जो गुरुदेव है ना बृहस्पति ने मेरे को एक सुंदर कथा सुनाई थी। बोले क्या कथा सुनाए थे? बोले जब भगवान कृष्ण ये दुनिया को उन्होंने सृष्टि की, उन्होंने 3 देवता को उन्होंने प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश।
ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम संहार करना, और विष्णु को बोले तुम्हारा काम पालन करना। तीनों को उन्होंने तीनों काम दे दिया। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये दुनिया का तो मैं सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सृष्टि का काम है ये रजोगुण का काम है। बोले ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले श्री ब्रह्मा जी अगर आप 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनोगे ये रजोगुण तुम्हें व्याप्त नहीं कर सकता है। इतने में श्री नारायण आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये जगत का तो सृष्टि में कर सकता हूँ, पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूंगा? बांके बिहारी कहते आप भी कथा सुनो और कथा सुनो। जब भगवान नारायण स्वयं कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके कथा सुनती है। जब नारायण की कथा समाप्त हो जाए कितना दिन में कथा समाप्त करते? बोले 1 महीना। फिर माँ लक्ष्मी स्वयं कथा सुनाती है, सामने नारायण बैठ करके कथा सुनते हैं, कितने दिन लक्ष्मी में कथा पूरी करती है? बोले 2 महीना। नारायण जितने सुंदर कथा करते हैं उससे ज्यादा सुंदर कथा माँ लक्ष्मी करते हैं। इतने में श्री शंकर जी आए, बोले प्रभु आपने मेरे को काम दिया ये संसार को संहार करना। बोले हाँ। बोले जो संहार का काम ये तमोगुण का काम है, ये तमोगुण का काम है। बोले ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले भोले बाबा आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। देखो जब ये शंकर जी कथा सुनते हैं, कल हमने सुन रहे थे ना, ये भागवत का एक नाम है अमर कथा। क्या नाम इसका? अमर कथा। कौन किसको सुनाए थे? शंकर जी माता पार्वती को ये पहले सबसे ये कथा उन्होंने ये अमरनाथ में कथा सुनाई, हाँ, इसलिए ये कथा का नाम हो गया अमर कथा हो गया। जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कथा सुनाते हैं, उनको 1 साल में ये कथा को पूरी करते हैं। अभी शंकर जी की कथा हो गई, अभी माँ पार्वती कथा सुनाती है, शंकर स्वयं कथा सुनते हैं। पार्वती कितना दिन में कथा समाप्त करती है? बोले 2 साल। शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करते हैं, माँ पार्वती जब कथा सुनाती है ना उससे भी अच्छी तरह से और व्याख्या करती है, तभी उनको 2 साल लग जाते हैं। देखो ये भागवत कथा की महिमा को समझो। ये भागवत कथा की महिमा से ब्रह्मा ये जगत को सृष्टि करते हैं। भागवत कथा की महिमा से स्वयं विष्णु जगत को पालन कर रहे हैं, और ये भागवत कथा की महिमा से स्वयं शंकर जी ये दुनिया को संहार कर रहे हैं। मतलब है ये दुनिया में जो सृष्टि स्थिति प्रलय है ये सब के सब ये भागवत कथा के प्रभाव से ही, ये सारा दुनिया ये भागवत प्रभाव से ही सब कुछ होता है। समझो ये भागवत कथा की कितने महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत की जय, जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक ठाकुर जी के भजन सुन लो, बोलो वृंदावन बिहारी राधे की जय, जय जय Thank you.
कहते हैं भगवान के कीर्तन में क्या करनी चाहिए, नाचनी चाहिए। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, अगर ठाकुर जी को सामने अनजान में भी नाच लिया तो कितने पुण्य। ये पद्म पुराण की कथा है, ध्यान देकर के सुनो। बोले एक समय कार्तिक का महीना थी, किसी भक्त ने भगवान के दरबार में दिया जलाया। जब दिया जलाए अभी वो दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा ने तेल खाने के लोभ से आ गया। जब ये तेल पी रहा था उसकी दांत में ना ये बत्ती लग गई, बत्ती लगी तो उसने पीछे हटा, पीछे हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी हो गया तेज और उसको मुंह में थोड़ी लग गई आग। उसने दो चार बार ठाकुर के सामने छलांग लगा दिया। देखो ठाकुर जी कितने दयालु। बोले देखो कार्तिक का महीना थी और ये दिया बुझने जा रही थी, उसने किया क्या, तेज को तेज कर दिया। फिर क्या किया, दो तीन बार छलांग लगाया, मतलब मेरे को दिया जलाते हुए उसने मेरे सामने उसने नृत्य किया। देखो इसका फल क्या है, वो चूहा दूसरे जन्म में राजा की राजकुमारी बन करके जन्म हुई और श्री ठाकुर जी की चरण में उसकी प्रेम बनी रही। फिर उसने भगवान की भजन की और भजन करते करते ठाकुर जी उसको गोलोक वृंदावन में अपना पटरान बना दिया, अपना सखी बना दिया। अगर चूहा दो बार छलांग लगा करके अगर भगवान की पटरानी बन जाती है, अगर आप लोग अगर सचमुच से हृदय से नाचो तो आप सोच नहीं सकते। देखो हम सबके सब नाच रहे हैं, नाच रहे कि नहीं, कोई पति को सामने नाचती है, कोई सास को सामने, कोई बेटी को सामने, कोई बेटा को सामने, कोई पैसा को सामने, फिर तो ये 84 लक्ष जन्म में हम नाच ही रहे हैं। जानते हो क्यों नाच रहे हो, चुके हम भगवान के दरबार में नहीं नाचते। अगर कोई शादी हो ना, देखना मेन रोड में शराब पी करके पागल होकर सब लोग नाचते हैं उल्टा पुल्टा डिस्को डांस में, लेकिन अगर ठाकुर का कीर्तन में नाचो तो फिर सारे नाचना बंद हो जाएगी तुम्हारी। अगर ठाकुर के सामने नहीं नाचोगे बस, नहीं तो सारा दुनिया में नाचो और 84 लक्ष में नाचते रहो। अभी आप डिसाइड कर लो, भगवान के दरबार में नाचोगे ना माया के सामने नाचोगे, ठीक है। Oh,
कदी ये कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हो, कदी ये भागवत नहीं, ये क्या है? ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप जो कुछ मांगो आपको सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। 7 दिन अगर आप सही सही कथा सुनोगे, लेकिन नियम से कथा सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं आधा सुने और आधा सुने ही नहीं, नियम से कथा सुनने पड़ेगा। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले हनुमान जैसे। कैसे सुननी चाहिए? अब हनुमान जी का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान जी का नाम सुने हो? सब जानते हो। देखो हनुमान जी ने क्या सिखा दी। आप गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जानते होंगे। ये जब शौच क्रिया में जाते थे, एक लोटे में पानी ले लेते थे। पहले तो अटैच बाथरूम थी नहीं, और एक नीम का वृक्ष में जो बच्चा हुआ पानी को डाल देते थे शौच क्रिया के बाद में। लेकिन वो पेड़ में रहता था कि भूत, जो भूत होते हैं वो पवित्र पानी पी नहीं सकते, वो अपवित्र पानी को पीते हैं। एक दिन वो भूत प्रकट हो गया, बोले तुलसीदास जी तू जो पानी देता है ना, वो पानी को मैं रोज रोज पीता हूँ। बोले भैया मैं तेरे को पानी कब देता हूँ? बोले लोटे में जो पानी बच जाते हैं वो पेड़ को जड़ में डालता है ना, वही पानी को पी पी करके मैं जीता हूँ। अभी बताओ तेरे को क्या चाहिए? तुलसीदास जी कौन है? राम के भक्त है, वो चतुर भक्त बड़े चतुर होते हैं। बोले मेरे को दे सकते हो? बोले हाँ बताओ। बोले हमें राम लक्ष्मण का दर्शन करा सकते हो? भूत ने कहा अगर तेरे को मैं राम लक्ष्मण को दर्शन करा सकता, फिर मैं ये भूत क्यों पड़ा हुआ है? फिर मैं भूत होकर क्यों पड़ा हुआ? मेरे को तो पहले मुक्ति मिल जाती। बोले फिर? बोले तेरे को मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ। बोले बताओ। बोले अमुक जब जगह पर जाना, रोज यहाँ पर राम कथा होती है, देखना कथा से पहले एक व्यक्ति आएगा, जब कथा एकदम प्रारंभ नहीं हो, सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा, एकदम रुक्मा शरीर, मैला कपड़ा पहना हुआ, और सबसे पीछे बैठेगा। देखो कथा कैसे सुननी चाहिए, ऐसे नहीं आए और बैठ गए, नहीं। ये हनुमान जी से सब सीखनी चाहिए। सबसे पहले आकर के वो जो स्थान है जहां पर ये कथा होती है, कहते सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सब के सब वहीं पर निवास करते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। पहले आकर के प्रणाम करो। क्या करो? प्रणाम करनी चाहिए उस स्थान को, वहां का धूल शरीर में लगानी चाहिए। जितने कथा सुनने वाले हैं सबको प्रणाम करो, कथा बोलने वाले को प्रणाम करो, और जब जाओ ऐसे नहीं खड़े होकर चल पड़े, नहीं ऐसे नहीं जानी चाहिए। और कथा को बीच में जाना पाप लगता है, कथा को बीच से उठने पर पाप लगती है।
कथा जब समाप्त हो जाए, सबके सब जब चले जाए, उस स्थान को प्रणाम करो, कथा सुनने वालों को प्रणाम करो, कथा बोलने वालों को प्रणाम करो, वहाँ का धूल अपना शरीर में लगाओ, फिर वहाँ से जाओ। देखना वो जो व्यक्ति वो हनुमान जी है, आप उनका चरण पकड़ लेना, बस हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो राम लक्ष्मण दर्शन मिल जाएंगे। आप उनको बोलना, उन्होंने तो सचमुच से हनुमान जी का चरण पकड़ लिया। हनुमान जी उसको वंचना करने के लिए कोशिश की, बोले तू क्या कर रहे हो, मैं कुष्ठ व्याधि शूद्र हूँ, मेरे को छू लिया तो अपवित्र हो गया। बोले नहीं, मेरे को पता है, ये भूत ने बताया, आप स्वयं से हनुमान हो, मेरे ऊपर में कृपा करो और मेरे को राम लक्ष्मण का दर्शन दो। भक्त लोग बड़े दयालु बड़े कृपालु होते हैं। बोले देखो, बोले चित्रकूट के घाट पे भये संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये चले जाना चित्रकूट घाट पर, वहीं पर सबको तिलक लगाना रहना, फिर राम लक्ष्मण का दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास